अस्ताचल गामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही अब इंतजार शुरू हो गया है भगवान के उदयमान होने का। जब लोक आस्था के इस महापर्व पर भगवान को अंतिम अर्घ दिया जाएगा, उसके साथ ही ये चार दिनों का महापर्व संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसके पहले की जो रात है वो कोसी भरने की रात है। कोसी का मतलब है कि जो मन्नतें पूरी होती हैं, जो छठी मैया से जो मन्नतें रखी जाती हैं और जब वो उस साल उसको पूरा करती हैं, उसके बाद लोग पहली अर्घ के बाद घर की आंगन में इसी तरीके से कोसी सजाते हैं और उसमें जो मन्नत है वो छठी मैया के लिए जो है वो समर्पित करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि कोसी की शुरुआत जो मान्यता है कि वो कोसी के इलाके से होती है जहाँ पर हर साल बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही होती है। लेकिन उसके बाद जो लोग होते हैं वहाँ के, वो कोसी नदी को, छठी मैया को धन्यवाद करते हैं कि उनका जीवन बचा है और दोबारा से वहाँ पर समृद्धि आए, जो उनका घर परिवार है वो भरा पूरा रहे। इसीलिए कोसी भरने की शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद चलते चलते पूरे बिहार और देश दुनिया में फैल गया, जहाँ पर एक विशेष तरह की जो हाथी है, क्योंकि हाथी खुद भी समृद्धि का प्रतीक है, उसके ऊपर दीपक और उसके ऊपर में चार वेद के हिसाब से या फिर सात जो सूर्य के सात किरणें हैं उसके हिसाब से सात जो ईंक होता है उसका मंडप बनता है और उसके ठीक नीचे जो है वो कोसी जो है वो भरा जाता है। कोसी का मतलब है कि गाय के ऊपर में जो चीज़ें छठ में इस्तेमाल होती हैं, भगवान सूर्य को, छठी मैया को जो चीज़ें सूप में चढ़ाई जाती हैं, अर्पित की जाती हैं अर्घ में, वो तमाम चीज़ें यहाँ भी होती हैं और दिया जला करके उनका धन्यवाद होता है इस पूरे उत्सव के लिए, जो पूरा साल गुजरा है उसके लिए और जो आने वाला साल है उसके लिए। और देखिए इस तरीके से इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं वहाँ पर देखिए इस तरीके से जो कोसी है वो भरी जा रही है। कोसी भरने के पीछे के अपने अपने कारण हैं, कुछ मन्नतों के पूरा होने के लिए तो कुछ जो हैं वो मन्नतों को रखने के लिए इसको करते आए हैं। लेकिन मकसद यही है कि भगवान सूर्य और जो छठी मैया हैं उनका आभार इस कोसी को भरने से होता है और कोशिश ये होती है कि पूरा घर परिवार, जो समाज है, जो पूरा प्रांत है वो खुशहाल हो, भरा पूरा हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए इस तरीके से विशेष रंगोली और उसके ऊपर में हाथी और ईंच के मंडप के बीच में जो कोशी है वो भरी जाती है। जाहिर तौर पर अलग अलग छठ के जो गीत हैं वो चल रहे हैं, इन गीतों के बीच में आज कोसी भरा गया है। तो किस तरीके से जो है ये जो परंपरा है इसको आप लोग निर्वाह कर रहे हैं और उसके बाद अब क्या तैयारी होगी, क्योंकि कल सुबह इंतज़ार है भगवान की दोबारा से उदय होने का। शाम में सूर्य भगवान को, ढलते सूर्य को अर्घ देने के बाद ये छठ माता को साक्षी मानकर कि वो महालक्ष्मी के स्वरूप में हमारे यहाँ हाथी पर बैठे और सभी विश्व को, घर को, सभी लोगों को सुख समृद्धि और खुशियाँ प्रदान करें, इस कारण से उनको हम लोग ये मानते हैं कि हाथी पर कोसी है कि हाथी पर महालक्ष्मी रूप में मैंने छठ माँ को रात भर के लिए बैठाया है कि वो तो सुबह अर्घ के बाद ही विदा होंगी, लेकिन तब तक वो बहुत महालक्ष्मी स्वरूप में हम लोग के साथ विराजमान रहे, इसलिए हम लोग हाथी के ऊपर कोसी भरते हैं। उसके बाद सुबह में क्या होगा, मतलब सुबह में इसी कोसी को घाट पर ले जाया जाएगा और वहाँ भी इसी तरह विधिवत रूप से वहाँ भी कोसी को वहाँ दीपक प्रज्वलित करके वहाँ भी सजाया जाएगा और सूर्य को अर्घ देने से पूर्व कोसी को पहले विसर्जित किया जाएगा, उसके बाद सूर्य को नमस्कार करके अर्घ प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल यही परंपरा है कोसी की। कोसी जो है क्योंकि महालक्ष्मी के रूप में जो छठी मैया है वो विराजे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, इसीलिए कोसी भरने की परंपरा है। ठीक उसके बाद जब पहली अर्घ के बाद लोग घर में पहुंचते हैं तो आंगन छतों पर इसको भरने की परंपरा जो है वो की जाती है। उसके साथ में सुबह जब यानी कि जब लोग घाट पे जाएंगे दोबारा से उसी घाट पे जहाँ पे शाम की अर्घ हुआ है, उसके बाद सुबह को के वक्त में अर्घ देने से ठीक पहले कोसी घाट पर सजाई जाएगी और उसके बाद उसी छठी मैया को समर्पित करके उसके बाद उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो यही परंपरा है कोसी भरने की बिहार के साथ साथ देश और दुनिया में, जो छठ की छठा है वो न्यूज़ फाउंडेशन पर लगातार आप देख रहे हैं। कोशिश हमारी होगी कुछ और रंग, कुछ और तस्वीरें छठ के लिए करके आपके लिए तुरंत से हाजिर हों। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।